अच्छा शेख साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने कि जो लोग कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए, खासतौर पर मैं तो अपने फनकारों को कहूँगा कि या जो और भी जितने भी लोग हैं वो इसको पार्ट टाइम काम कर सकते हैं घर पे बैठ के, जिसमें बारी का खवातीन है वो प्रोडक्ट को सेल करती है, कॉस्मेटिक्स है या जल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, स्किन पे जो आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है वो सेल करके तो 15-20 से 30 हज़ार तक अर्निंग कर सकते हैं इसमें। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं कर सकते? और नहीं, कैसे कर सकते हैं? ये मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। हाँ जी, कैसे कैसे कर सकते हैं आप पूछ रही थी ना कि कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, आप सारा दिन अपने वर्किंग पोजीशन में रहते हैं, मार्केट पे रहते हैं, थिएटर पे रहते हैं, स्टेज पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, तो उसमें कुछ टाइम आपके पास स्पेयर बचता है जो आप घर में बच्चों को देते हैं, अपने फैमिली को देते हैं, तो आप अपने घर में बैठ के अपने जितने भी जानने वाले हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसको आप कर सकते हैं। मैसेज नहीं नहीं, बात तो हम पूछ रहे थे कि ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनके पास नौकरी कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, आप बताएं। ये काम हम बचपन से कर रहे हैं लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मून भाई से पूछता हूँ, यार नाश्ता करना है, कितना नाश्ता करेंगे? कहते जी वो फलाना बंदा है, चने बड़े अच्छे। बिल्कुल सही। अगर मैं उनके पास जाके चने खाता हूँ तो उन्होंने मून भाई को कभी सलाद भी फालतू नहीं देने की, यार तू गाँव भेजे। मैंने बाल कटाने तो मैं भाई से पूछता हूँ, यार मैंने बाल कटाने, कहते हैं फलाना हेयर ड्रेसर बहुत जबरदस्त है, शेख का बाल कटा लेंगे, कटवाता हूँ वहाँ से। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि यार मैं तेरी ट्रिमिंग कर देना तुम, उसको बेनिफिट कोई नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ पर ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपने यहाँ पर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, आपने जस्ट ये करना है कि आपके जो भी जानने वाला लड़का है आपने उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। अगर वो कपड़े देखकर उसे कहते हैं यार जेल के प्लेटफॉर्म से देखें, आप अपनी आपकी अपने लिंक से वो कपड़े, आप अपने लिंक से उसे कपड़े दिखाएं, उसे को ड्रेस समझ आता है, वो परचेज करेगा जेल से, जेल ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर पैसे बेनिफिट्स देंगे। ये जेल का दबाव है। बिल्कुल, ये जितना भी इंटरनेट सिस्टम आया वो बड़ा आसान है कारोबार करने, लोग घरों में करते। अच्छा, एक या जो भी दोस्त मिले बारी बारी किसी को, या फिर वो आगे से कोई लेकर आए? हाँ जी, देखिए जी, ऐसे है कि इसमें सिस्टम हमने ऐसा सिस्टम एक कंप्यूटराइज सिस्टम एक ऐसा डेवलप किया है कि जैसे ही आप किसी को अपने तौर पे शॉपिंग करवाते हैं, इसमें आपको शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं, इसमें आपको स्किन केयर खरीदने की जरूरत नहीं, ये सारा कुछ जेल आपके लिए बंदोबस्त करता है। आपको सिर्फ ये है कि अवेयरनेस देनी है उसको, अगले बंदे को आपने सिर्फ ये बताना है कि अवेयरनेस देनी है, आपको जो चीज चाहिए वो जेल के प्लेटफॉर्म पे आता है लेता है। उसमें हमने एक तरीके का रखा हुआ है कि आप सपोज हम देखते हैं कि आप कितने सीरियस हैं अपने जॉब के साथ, आप कितने लोगों के साथ काम करें, हमने उसकी एक लिमिटेशन रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल बना दिया, हाँ सिंपल ये है कि अगर आप जेल से लाख रुपए कमा लेते हो फिर हम समझ जाएंगे आप हमारे इस तरह के पैनलते हैं कि हम आपको सैलरी दे सकें, तो फिर जेल आपको मिनिमम सैलरी स्टार्ट जहाँ से लेता है वहाँ से 15,000 रुपये आपको सैलरी भी देता है मंथली। और सैलरी में ये जरूरी नहीं है कि आपको काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको सैलरी जो वो हम 100% देते हैं। तालियां जेल के लिए। देखना मैडम, सारी देर फोन कर रहे हैं, इमरान क्या कर रहे हो, काशिप क्या कर रहे हो, तो देखो वही फोन तुसी वही ऑनलाइन काम करो, शेख साहब दा पैसे ना कमाओ। बड़ा सड़ी इट वर्गा मूंह है, तुसी भी गल करिया करो। बड़ा सिरमट दी पार्टी पूरी वर्गा मूंह। जी जी मोहन साहब, हमारे दूसरे मेहमान आए जी तैयब साहब। अच्छा ये तो आप एक सियासत, आप खानदानी लेवल पे आ रहे हैं, आपका बहुत इलाकी सियासत में रहे, फिर आप भी सियासत में आए, टीएससीए से आपने अपने इलाके में बड़ा काम किया, तो वैसे आप जो एज ए अर्निंग सिस्टम है आपका वो क्या करते हैं आप? सर बाय प्रोफेशन आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, साथ मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, इसके अंदर लोगों को पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हर किस्म की प्रिंटिंग हम लोग करते हैं, मेटलाइज प्रिंटिंग हो गई, ऑफसेट प्रिंटिंग हो गई। अच्छा तो आप प्रिंटिंग करते हैं? हर तरह की हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। नोट भी छापते हो?
अच्छा तो फिर उसमें हर तरह की प्रिंटिंग आप करते हैं, उसमें तो बड़ा होता है ना कि 14 अगस्त पे तो 14 अगस्त के हवाले से झंडे हैं, झंडी हैं, इसको प्रिंट भी करते होंगे। फिर रबी लवल का महीना आता है, फिर हैप्पी न्यू ईयर आता है, फिर ईद आती है, ईद कार्ड तो पहले बहुत ज्यादा छपते थे, तो ईद कार्ड में क्या बताएंगे आप? सर ईद कार्ड अब देखें कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ चेंजेस आई हैं, जिस तरह से अब हम जहां उसको प्रिंट नहीं करते हैं, हम डिजाइन बना के लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, वही फिर आगे उसकी चेन बन जाती है और आगे लोगों को आपको जी जी बिल्कुल, जो जिसने डिजाइन बनवाना है उसकी पेमेंट करेगा तो उसको डिजाइन मिलेगा ना। एक बड़ा मुश्किल काम है, एक सियासत को भी आप टाइम देते हैं, फिर अपने बिजनेस को, और बिजनेस आपका वो है जो 24 आवर ऑफ माइंड का काम है, डिजाइन को सोचना, जाहिर बात है कंप्यूटर से आप सोचेंगे तो उसको डिजाइन को बनाएंगे, तो बड़ा मुश्किल काम, कैसे सरवाइव करते हैं? लेकिन जी बात ये है कि हमारे जो पिछले सियासतदान गुजरे हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा जी जी, वो ये नहीं ना लोग हैं नहीं जानते नहीं तो आनू नहीं जी, बिल्कुल नाम जरूर आते हैं लेकिन मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है किसी का नाम लेना। उन्होंने सियासत से ही पैसा कमाया है और उसी से अपनी जायदादें बनाई हैं। इशारा आपको मिल गया, मैं किसको कोट करना चाह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपना बिजनेस करते हैं साथ और अपने ही बिजनेस से अपना घर चलाते हैं। नहीं सर देखिए, इसमें जो आपके कैंडिडेट्स हैं बीजेपी की, जो जाती नहीं आपके, वो आपने नून लीग से लिए, किस पार्टी से लिए, जमात इस्लामी से लिए, तो वो फिर कैसे आप कह सकते हैं ये बात? सर बात ये है कि जो अल्लाह ताला किसी को जिस वक्त नेकी की हदायत दे देता है उसका ये मतलब तो नहीं है उसको सारी जिंदगी हम सजा ही देंगे। आप ये समझते हैं कि जब नेकी की हदायत आती है तो लोग पीटीआई में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने उनको नेकी की हदायत दी और वो उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान तहरीके लोग कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के लिए बहुत जरूरी है, तो आप क्या समझते हैं? सर मैं इसको जरूरी नहीं समझता। अगर आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की है तो शहबाज शरीफ साहब के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जी जी, इस दौरे हुकूमत में उन्होंने जितने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो सारे के सारे फ्लॉप हैं, कोई एक प्रोजेक्ट भी उनका जो है नहीं। आप ये कैसे कैसे थे, नवाज शरीफ दौर में ये मोटरवे बना, नवाज शरीफ दौर में ये पुल बन गया, नवाज शरीफ दौर में लाहौर एक पेरिस बन गया, पूरे मुल्क को उसने पेरिस बना दिया, पहले तो एक देहात ही था। अच्छा, और मुझे पता कि जब मैं नैक पर चढ़ा हूँ तो बस से बचने के लिए अंडर पासेस से मैं जाता रहा हूँ, हाँ। तो मुझे पता कि पुल की क्या अहमियत है जी यार। पहले दौर च होंदा सी कि लोग की कहंदे ने कुल दा भला ते कुल दी खैर, हुण साडे पाकिस्तान च भोले इन्ने ने, हाँ। हर बंदा कहंदा पुल दा भला ते कुल दी खैर। उस्मान गुलजार साहब से मुतमिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम उनसे मुतमईन हैं, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वाटर सेविंग का, हमारे जो बारिश होती है उसका पानी सारा जाया हो जाता था, बिल्कुल उसको सेव करने का जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है, बारिश का पानी वेस्ट नालों में नहीं जाएगा, वो जो पानी है वो सेफ होगा, उसी पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा और वो पानी दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया। नहीं ये जो बारिश हुई है इसका पानी जाया नहीं होगा, इसका सेव करेंगे ना पानी को, कहाँ सेव करेंगे, बहुत बहुत बड़े कोई भी नाली नाला ठीक नहीं है, जहाँ जाओ इतना इतना एक बारिश होती है तो काम हो रहा है, और ये जमीन दो दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर करेंगे, आपको नहीं पता पानी आएगा भाई वो क्या कह रहे हैं। उस्मान गुलजार साहब इंतहाई शरीफ और बड़े मेहनती आदमी है, अब इनको एक रास्ता सही तरीके से नहीं मिल रहा, अच्छा। क्योंकि मुल्क जिन रास्तों बिखर चुका है ना उसे मिटना खासा मुश्किल है, लेकिन उस्मान गुलजार एक ईमानदार और बहुत ईमानदारों ने उन्होंने बड़ा काम किया है, मुझे
तेन तेरी मां की कसम सही दस कितना 5000 मैडम आपके घर वाले आपसे मुतमिन नहीं है आपने जिस तरह अभी बात की नवाज शरीफ में मोटरवे बना दिए, अंडर पासेस बना दिए, रोड्स बना दी, लेकिन हमें ये कोरोना के दौर से गुजरे हैं हम लोग, इतनी ज्यादा मुश्किल हुई, काश के हमने मोटरवे की जगह, काश के हमने फजूल अंडरपासेस की जगह पे हॉस्पिटल्स बनाए होते, बहुत सारे गरीबों की जान बच जाती। अपना इलाज करवाना है तो बाहर चले जाना है। एक गरीब आदमी जो इतनी ताकत भी नहीं रखता कि वो शहर से भी बाहर जा सके, उसको सहूलत उसके ही शहर के अंदर मिलनी चाहिए। मजे मजे की बातें हमारे मेहमानों ने सुनी, कहीं पे सियासत पे बात हुई, कभी सेहत पे बात हुई, और कभी खूबसूरती पे बात हुई। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शेख साहब का जेल की तरफ से डायरेक्टर के हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, पीटीए की तरफ से 172 यूसी के डिप्टी डायरेक्टर तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खवातीन हज़रात, जहाँ पे 14 अगस्त छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने और खवातीन ने मनाई, आज मेरी मजाक की, हमसे मजाक की पूरी टीम दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, कैसी जमीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक से जुबोल को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद। उम्र सारी गपदा सा 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 गपदा पदा पदा इट्स द मदरफकिंग ईगो डबल जी स्नूप डॉग।